कोई कंफ्यूजन जरूर है राजतिलक, कुछ तो गड़बड़ है। खैर दो दो पांच नहीं, साच को आज नहीं तो कल पता तो लगा ही लूंगा। हाँ जी, मैं निशी बोल रही हूँ। हाँ निशी बोलो। मैंने 30,000 दिरहम आपके ऑफिस में भिजवा दिया है, मिल गए होंगे। हाँ मिल गए, थैंक यू वेरी मच। बाकी के पैसे मुझे अगले हफ्ते तक मिल जाने चाहिए, मैं खुद लेने आ जाऊंगा। ओके गया तो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। आजा आजा, खाना खाएगा? राज तिलक के पास क्यों गया था? वो बोला नहीं तेरे को? मैं सिर्फ इतना बताने गया था कि मैं ही तेरा असली बापू। क्यों कर रहा है ये सब? क्यों कर रहा है ये सब तू? दुनिया को अपने बेटे का नाम बता रहा हूं। तेरा बेटा नहीं हूं, पर मैं तो तेरा बाप हूं। कितने पैसे दे रहा है करण? मैं 10 गुना दूंगा। चले जा यहां से। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। दुबई पैसे कमाने के लिए नहीं आया। ऐसे तो आदमी भीख मांग करके भी कमा सकता है। तो फिर क्यों कर रहा है तू ये? क्यों कर रहा है? अपने उस मासूम बेटे से मिलने के लिए। मर गया है वो, बल्कि पैदा होते ही मर गया था वो, मर चुका है वो। वो नहीं मर सकता, वो जिंदा है। यहां जिंदा है वो। मुझे आज तक याद है उसकी वो किलकारी जो मेरी सारे दिन की थकान दूर कर देती थी। कैसे मर सकता है वो? मुझे आज तक याद है कि कैसे उसने पहली बार अपनी तोतली जबान में मुझसे बाबा कहा था। नहीं मर सकता वो, वो भटक गया है, भूल गया है वो अपने आप को, अपने बाबा को भी भूल गया है वो। मैं कभी तेरा बेटा था पर अब नहीं हूं। सुन, तेरी जिंदगी के अब बहुत कम दिन बचे हैं। पैसे दे रहा हूं, कुछ जाकर ऐश कर ले। अपने बाप को खरीदेगा तू? उसे ऐश कराएगा तू? उधर बंबई में बहुत दिन ऐश कर लिया बेटा। दूसरों की झूठन खा खा कर जिया हूं मैं, रात भी कर जिया हूं मैं। 4 लोगों की बात भी सुनी है कि मरती हुई मां को छोड़कर बेटा बाहर चला गया, भाग गया। नहीं चाहिए मुझे ये सब। क्या चाहता है तू? फिर क्या चाहता है तू? बता मुझे क्या चाहता है तू? मुझे अपना बेटा चाहिए। दे सकता है तू? 1 बार मुझसे गले मिल सकता है तू? मत रो, मैं साला तेरे को रोते हुए नहीं देख सकता।
तेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। तेरी नाक से तेरा बाप का दिल पिघल कर निकलता है बेटा। भूख लगी, मैं जानता हूं तू बरसों से भूख है। मैं भी आखिर क्या करता, तू भी तो इतना दूर चलाया था बेटा। मेरे हाथ करने वाला खाई बेटा, तेरी भूख नहीं मिटती थी। खा बेटा, बेटा खा, खा ले। मैं चाहता हूं बस दुनिया के सामने तू एक बार मेरे हाथ से निवाला खा। आखिर दिखा दी ना तूने अपनी साथ। आज भी भूखा सोएगा। मे आई कम इन मैडम? या कम इन। हाँ बोलो गौतम, क्या बात है? कॉम्प्यूटेक के सॉफ्टवेयर की डीलरशिप हमें पिछले 7 साल से मिल रही है, क्योंकि हम जो रेट ऑफर करते हैं उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। लेकिन इस बार सुना है कि मोना एंड कंपनी ने हमसे ज़्यादा ऑफर दी है, और वहाँ पे मिस्टर एंड्रू भी उसे पुश कर रहे हैं। आई सी। तुम एक काम करो गौतम, तुम मिस्टर एंड्रयूज से बात करो और उनसे ये कहो कि मोना उन्हें जो रेट ऑफर कर रही है हम उन्हें उससे कहीं ज़्यादा देंगे। लेकिन इससे तो हमें नुकसान होगा। नहीं होगा गौतम, मार्केट रिसर्च के हिसाब से आने वाले साल में सॉफ्टवेयर की प्राइसेस हाई होने वाली हैं, तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे ख्याल से मोना भी ये बात समझ गई थी, इसीलिए उसने ऐसा किया है। अगर ऐसा है तो हमें ये डीलरशिप अपने हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। नहीं जाएगी। तुम मिस्टर एंड्रयूज से बात तो करो। एक बार मिस्टर कपूर से बात कर लें। अगर हम उन्हें ऐसी छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब करेंगे और उनसे मशवरा लेंगे तो फिर वो हमें तनख्वाह किस बात की देते हैं? हाँ, जस्ट लीव हिम आउट ऑफ दिस एंड डू एज आई से। ओके ओके, इट विल बी डन एज यू से मैम। तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूं मोना। हेलो अंकल, हाउ आर यू? बेटे आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने मुझे याद कैसे किया? भाई इसका जिम्मेदार मेरी उम्र का है। खैर चलो पहले बताओ, व्हाट विल यू हैव? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैंने भर पेट खाना खाया है। श्योर? हां आप बताइए, अर्जेंसी क्या थी भाई? बेटे तुम जानते हो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, दुनिया मेरा कोई नहीं है, ऊपर से मेरा इतना बड़ा कारोबार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कारोबार को कौन संभालेगा? अंकल आपको कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए आपको कुछ नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल में और 50-60 साल तक तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लंकेश अंकल को इतनी बड़ी उम्र नहीं चाहिए, मैं खुद समझ नहीं पाता कि इतने बरस भी मैंने तन्हाई में कैसे जिंदगी काटी। अंकल आपने शादी क्यों नहीं की? बेटे छोड़ो इस बात को, मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है, मकसद है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। What? मैं आपका पार्टनर? सोचो बेटे, मेरे काम में मैं दूसरे लोगों की मदद लेता हूं, मेरा पैसा किसी और के पास जाता है, कितना अच्छा होगा कि अगर वो किसी अपने के पास ही जाए। अंकल आपने मुझे अपना कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आपके इस फैसले ने मुझे चौंका सा दिया है,
So please give me some time to think over it. Definitely, take your time. लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मेरा पैसा और दिमाग और तुम्हारी मेहनत, हम लोग मिडल ईस्ट के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो मैं चलूं? सर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू आंटी। जल्दी सो। मैं जानती हूँ मिस्टर एंड्रयूज, केके इंटरनेशनल ने अपनी ऑफर बढ़ा दी, पर आप फिक्र न करें, केके इंटरनेशनल की ऑफर से 2% मैं आपको ज्यादा दूंगी, बट आई वॉन्ट दिस डील एनी हाउ। थैंक यू मिस्टर एंड्रयूज। मोना, ये इंक्रीज कुछ ज्यादा नहीं है? तुम्हें तो कह रहे थे कि मार्केट रिसर्च के मुताबिक सॉफ्टवेयर के रेट्स बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन इसकी कोई शॉर्टी तो नहीं है? डोंट वरी, फायदा नहीं तो मैं नुकसान भी नहीं होने दूंगी। मैं केके इंटरनेशनल के इस क्लाइंट को किसी भी हालत में तोड़ना चाहती हूँ। बाकी के पैसे मुझे अगले हफ्ते तक मिल जाने चाहिए, मैं खुद लेने आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। This is ridiculous. अरे ऑफिस में हो क्या रहा है? जो डीलरशिप हमारे पास 7 साल से है, वो मोना एंड कंपनी को कैसे मिल गई? भैया, उन्होंने हमसे ज्यादा रेट कोट किए थे। तो तुमने उससे और ज्यादा रेट कोट करने थे? लेकिन भैया, उन्होंने हमसे 7% ज्यादा रेट कोट किए थे। 7%? She's gone out of her mind. पता नहीं। लेकिन तुमने मुझे कंसल्ट क्यों नहीं किया? मैंने तो कहा था। भैया, आई थॉट आई कुड हैंडल दिस। Now tell me, how will you handle this, Sonia? उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, उसे फायदा भी नहीं होगा, लेकिन हमें नुकसान होगा। हमारी पूरी जो इज्जत है मार्केट में मिट्टी में मिल जाएगी। या ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे पास अभी भी 1 साल का स्टॉक बाकी है जो हम मार्केट में इस साल कॉस्ट प्राइस पे बेच सकते हैं। हमारा नुकसान नहीं होगा भैया, बल्कि नुकसान मोना का होगा। वो अपना स्टॉक हाई प्राइस पे नहीं बेच पाएगी। She stands to lose a lot of money, not us. राइट, आहिस्ता आहिस्ता तुम बिजनेस के सारे दाव पे सीख रही हो। गुड, अब प्राउड ऑफ यू, गिव इट अप। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता। मुझे लगा मैं ठीक कर रही हूँ। क्या ठीक कर रही हो, क्या ठीक कर रही हो? ये बिजनेस है, कोई मेकअप लगाना नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने चालाक बिजनेसमैन के साथ तुम कॉम्पीट कर रही हो। मैं उसे गिराना चाहती थी। अरे गिराओ, यकीनन उसे गिराओ, लेकिन खुद तो मत गिरो। पता है कितना बड़ा नुकसान होगा हमें। I'm really sorry, राज, पर कुछ तो करो राज। कुछ तो करना ही होगा, वरना ये नुकसान हमें ले डूबेगा।
गुड मॉर्निंग मैडम, वेक अप। सॉरी, कहाँ हो दीदी? कुछ नहीं। ओके अच्छा, ये है 50,000 दिरहम, अकाउंटेंट से कह के बैंक में डिपॉजिट करवा देना। ओके, पकड़ो। हाँ, हाँ। मैं साइड पे जा रहा हूँ। एंड स्माइल। हाय होम। बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है। ये बाकी पैसे रख लो और अपना मुंह बंद करो। दो पांच नहीं, साच काच नहीं। मुंह बंद करने के लिए थोड़े पैसे और लगेंगे मैडम। लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसे मिल जाने के बाद तुम अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दोगे। हाँ? लेकिन वो तो उस दिन कहा था। पैसे मिलने के बाद मेरा इरादा बदल गया। ये पैसे की भूख बड़ी जालिम चीज होती है, जितना खाओ उतना बढ़ती जाती है। तुम समझते हो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? कभी नहीं। वो तो माननी होगी मोहतरमा, वरना सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। राज, चलो तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन करण की इज्जत का क्या होगा? सोहन के घर का क्या होगा? उसके बसे बसाए घर को ना उजाड़ने की छोटी सी रकम तो मांग रहा हूं। अगले हफ्ते 50,000 दिरहम मुझे और चाहिए। इतने पैसे मेरे पास नहीं है राज, नहीं जानते ये पैसे मैं किस तरह जुटा पाई हूं। अरे क्या बात कर रही हैं यार, पैसे की खान है आपके पास, हाथ डालो निकालती रहो। मतलब क्या है तुम्हारा? करण कपूर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। हरगिज नहीं, मैं करण से कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, फिर आराम से बैठकर करण के चलते हुए घर को देख। ओके, चलता हूं मैं, बाय। तुम उसे कुछ नहीं करोगे? मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें और करण को बर्बाद कर सकता हूं। क्या हो रहा है यहां पे? ऋषि कौन है यार? दो पांच नहीं, साच को आज है। मुझे राज तिलक कहते हैं। मैं करण कपूर का साला हूं, मिस्टर कपिल मेहरा। तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं करण से जुड़े हुए हर इंसान को अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन तुम यहां पे कर क्या रहे हो? यही सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो? यह मेरी बहन का घर है, निशि मेरी मुंह बोली बहन है। ग्रेट, रियली ग्रेट। मैंने आप करण के नाजायज साले हैं। स्काउंडल, क्या बोला तुमने? अरे भाई, मुझ गरीब पे क्यों बिगड़ते हो? जो सच है वही तो कहा मैंने। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर मैं झूठ बोलता तो मेरा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हारी बहन ये पैसे ना देती मुझे। तुम जो भी हो, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चे, तुमसे जो बन सके कर लो, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। निशी, ये सच कह रहा था? मेरी बात सुनो तुम। हाँ, ये नाम है जवाब दो। हाँ, ये सच है, सच कह रहा था ये। पर वो गॉड से उसे रोको वरना अनर्थ हो जाएगा कपिल। इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा निशी? उस करण कपूर को मैं छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट लीव हिम। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं जानते हो तुम। सुनना चाहते हो ना तो सुनो, करण बेकसूर है। करण को मैंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा है उसे। अरे क्यों झूठ बोलती हो तुम? अगर तुमने उसे छोड़ा होता ना तो आज उसकी इज्जत बचाने के लिए तुम उसे झूठ नहीं बोलती। उस आदमी का मुंह बंद करने के लिए उसे तुम पैसे नहीं देती। देखो निशी,
अगर तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मैं उस आदमी का क्या हश्र करूंगा, मैं खुद नहीं जानता।